मित्रों, महाभारत के सबसे अहम पात्र दानवीर कर्ण को लोग एक शूरवीर के रूप में जानते हैं। कर्ण जिसका जन्म राजघराने में होने के बावजूद भी वह एक सूत पुत्र कहलाया। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कर्ण के जन्म और उसके बाद उसके जीवन में आई तकलीफों के बारे में। उससे पहले मित्रों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। मित्रों, महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन और पालन का भार भीष्म पितामह के ऊपर था। तीनों पुत्रों के बड़े होने पर उन्हें विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। धृतराष्ट्र बल और विद्या में, पांडु धनुष विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। धृतराष्ट्र सबसे बड़े भाई थे तो यह निश्चित भी था कि हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी वही बनेंगे, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी ना बन सके। उत्तराधिकारी बनने के लिए आँखों का होना अति आवश्यक होता है। विदुर एक दासी के पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गांधारी से करवा दिया। गांधारी को जब इस बात का ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है, तब उसने स्वयं ही अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। वहीं यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती जब हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी ऋषि मुनि साधु संत आते थे, कुंती उनकी मन लगाकर सेवा किया करती थी। एक बार ऋषि दुर्वासा आए, कुंती ने भी उनकी सेवा खूब मन लगा कर की। कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतः मैं तुमको एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके जाप से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल ही तेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे और तेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके वहाँ से चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जाँच करने के लिए एकांत स्थान में बैठकर उस मंत्र का जाप किया। सूर्यदेव का स्मरण करते ही सूर्यदेव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस बात पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही जप किया था। कुंती की यह बात सुनकर सूर्यदेव बोले, हे देवी, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। कुंती ने लोक लाज के डर से ये बात किसी को नहीं बताई। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुंती ने लोक लाज के डर से उस पुत्र को गंगा में बहा दिया। उस बालक को धृतराष्ट्र का सारथी आदिरथ ने उस बच्चे का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह ही किया। उस बालक के कान अति सुंदर होने के कारण ही उस बालक का नाम कर्ण रखा गया। बचपन से ही कर्ण की रुचि रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी, जिसको देखकर उसके पिता आदिरथ गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचे, जो उस समय युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय गुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र था। द्रोणाचार्य केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा दिया करते थे। इसके बाद कर्ण परशुराम जी के पास गए, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने लगे। ये बात उस समय की है जब कर्ण अपनी शिक्षा के अंतिम चरण पर था। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सोए हुए थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसने कर्ण की जांघ को काटकर उसमें घाव बना दिया, जिसके कारण कर्ण की जांघ से खून बहने लगा। गुरु का विश्राम भंग ना हो इसलिए कर्ण उस बिच्छू के डंक को सहते रहे। तभी अचानक परशुराम जी की नींद खुल जाती है। तब परशुराम जी ने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतना सहनशीलता हो सकती है कि वह एक बिच्छू के डंक को सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। और इसी वजह से कर्ण को झूठ बोलने के लिए परशुराम जी ने श्राप दिया कि जब भी तुमको मेरे द्वारा दी गई शिक्षा की अति आवश्यकता होगी तब तुम सारी शिक्षा भूल जाओगे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के बाद कर्ण शब्द वेदी शिक्षा को सीख रहा था। इस दौरान किसी गाय के बछड़े को अन्य पशु समझकर अपने बाणों से उसे मार गिराया। तब उस गाय के स्वामी ब्रह्मांड ने उसे श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय पशु को मारा है वैसे ही एक दिन तुम भी मारे जाओगे, जब वह सबसे ज्यादा असहाय होगा और उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से भटक जाएगा तभी तुम मारे जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूर्ण होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुविद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुए। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कृत्यों पर
पार करके उसे द्वंद युद्ध के लिए ललकारा। द्रोणाचार्य ने कर्ण के द्वंद युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के बारे में पूछा, क्योंकि द्वंद युद्ध के नियमों के अनुसार एक राजकुमार ही दूसरे राजकुमार से द्वंद युद्ध कर सकता है। तब कौरवों के ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया, जिससे वह अर्जुन के द्वंद युद्ध के योग्य हो गया। तब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह इसके बदले क्या चाहता है। तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल यह चाहता है कि कर्ण उसका परम मित्र बन जाए। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप दीजिएगा हमें इजाजत, मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।